हेलो गाइस, हेवनली वरी टू पोसेस के एपिसोड 62 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए आए, जिसके लिए आपका थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है यिन जारू जिया गोजियान की गोद में बैठे बैठे सो जाती है। और जिया गोजियान शेंग झोए से कहता है, आप जो कुछ भी करती हैं वही होता है। डीमन किंग जो आशा करती है और पावर भी उससे आती है, उस जगह में कुछ और नहीं है। यहाँ तक कि एक केक का छोटा सा टुकड़ा भी खाने के लिए आप अपने आप को कल्टीवेटर कहती हैं। आप ये खुद नहीं हैं, आप नहीं हैं, तो आपकी कोई अपीयरेंस कैसे नहीं हो सकती। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में शेंग झोए शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी दिखाते हैं हमको पीछे से डीमन किंग आती है और उसको पकड़ लेती है, संभाले लगती है कि तुम भड़को नहीं। और तभी इस चीज को फील करने के साथ में हमको दिखाते हैं शेंग झोए वहीं पे घुटने पे आ जाती है। और घुटने के बल आने के बाद में हमको दिखाया जाता है शेंग झोए बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। और सैड होने के बाद में ही जिया गोजियान से कहती है, तो प्लीज गॉडफादर, मेरे को इस बारे में आप सही से बताएं। उसकी ये बात सुनकर जिया गोजियान उसके सामने आता है और सामने आकर उससे कहता है, तो तुम बताओ जो तुम्हें चाहिए। जिया गोजियान की ये बात सुनकर शेंग झोए कहती है, लेकिन मैं ये कैसे कह सकती हूँ। और जैसे ही शेंग झोए ने ये बात बोली होती है, तभी हमें दिखाते हैं लिटिल फॉक्स वहाँ पे अपनी नींद पूरी करके आ रही होती है और स्माइल करते हुए जिया गोजियान से कहती है, बस तुम अपनी फीलिंग को फॉलो करो और कल्टीवेशन मास्टर इसका पता भी नहीं लगा सकते। और ये बात बोलने के साथ में हमको दिखाया जाता है यिन जारू जिया गोजियान के पास में आ जाती है और उसके गाल को प्यार से टच करके हंसते हुए कहती है, क्या ये हमारे गॉडफादर नहीं है। बस इसका मुझे रियलाइज हुआ और अब आप लेसन देने में व्यस्त हैं। लेकिन आप तो कहते थे कि औरतें केवल आपकी कल्टीवेशन को इफेक्ट करेंगी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आप कैसे हैं, बिल्कुल एक भूखे भेड़िए के समान है। और हमें दिखाते हैं जिया गोजियान उसकी ये बात सुनकर उसको घूर रहा होता है। और तभी जिया गोजियान यिन जारू के ऊपर गुस्सा जाता है और इसी के साथ में उसके गाल खींचना स्टार्ट कर देता है। और उसके गाल खींचते हुए कहता है, मैं अब ये नहीं कहता, आप अब भी बेवकूफों जैसे बातें करती हैं। और जब ये हरकत जिया गोजियान यिन जारू के साथ में कर ही रहा होता है, तभी दिखाते हैं शेंग झोए अपने मन में हैरान होते हुए कहती है, रुको, तुम पहले मुझे समझाओ तो और फिर मुझे ये सब दिखाना। और दूसरे साइड में यिन जारू बहुत चिल्ला रही होती है क्योंकि उसके गाल में बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यिन जारू शेंग झोए का हाथ पकड़ के उसको आगे की तरफ घसीटते हुए कहती है, हे मिंग, अभी भी आप इतना ज्यादा सोचने वाली स्थिति में क्यों बनी हुई हैं? ऐसा लगता है कि आपको ये खुद ही करना होगा। यिन जारू की ये बात सुनने के बाद में शेंग झोए हैरान होते हुए उससे कहती है, तुम कह रही हो इसे अपने आप करो, लेकिन मुझे इसे कैसे करना है। फिर यिन जारू कहती है, हाँ बिल्कुल, ये आपको ही करना है। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसके एंट्रेंस से यिन जारू चिल्ला के कहती है, औरतों के लिए ये जगह बिल्कुल अपने आप को खुला छोड़ देने के जैसे है। बेशक शॉपिंग एक स्वर्ग की तरह है हम लोग के लिए। और दोस्तों हमको पता चलता है ये जो जगह होती है शॉपिंग मॉल होता है। और तभी अंदर यिन जारू शेंग झोए का हाथ पकड़ के आगे की तरफ खींचते हुए भागती हुई जा रही होती है। और तभी उससे कहती है, चलो मैं जा रही हूँ, सभी लिपस्टिक को चेरी वाली लिपस्टिक में बदलने के लिए मैं कुछ और सुंदर कपड़े खरीदने जा रही हूँ। और जिया गोजियान उनके पीछे आराम से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है यिन जारू वहाँ से भागते हुए जहाँ पे लिपस्टिक मिलती है वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे अपना बैग निकालती है। तभी सेल्समैन स्माइल करते हुए कहती है, मिस, इस चेरी फ्लेवर वाली लिपस्टिक में उत्तेजित करने वाले इफेक्ट होते हैं। उसकी ये बात सुन के यिन जारू हंसते हुए कहती है, तभी तो मैं खरीद रही हूँ। और हमें शेंग झोए को दिखाते हैं, वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, उसके एकदम आंसू निकल रहे होते हैं हैरानी के मारे। और तभी वो शॉक्ड होते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी यिन जारू के साथ में होगा, जितनी भी बाजा बाजी बजेगी दोस्तों, वो सारा फील अपने आप शेंग झोए भी फील करेगी, इसी कारण से वो रोते हुए उसको मना कर रही है। फिर हमको दिखाया जाता है यिन जारू की तरफ देख के फॉक्स डीमन जिया गोजियान से कहती है, मेरा बॉडी पर कब्जा करने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अभी भी झोए को इफेक्ट करेगी, ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहती हूँ। फॉक्स डीमन की ये बात सुन के जिया गोजियान उससे कहता है, अगर आप जियारू के बारे में इतना परवाह करती हैं, तो आप जियारू को मारने की बात को कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? इसके बारे में आप खुद सोचें। कैंगलोंग पर रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए मैंने आपकी बॉडी को फिर जिंदा करने के लिए, उस मटेरियल को खोजने के लिए यहाँ जाने का फैसला किया है। और दोस्तों कहाँ जाने का फैसला किया है अभी नहीं बताया गया है।
जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में फॉक्स डीमन जिया गोजियान की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं उसकी बॉडी पर कब्जा कर लूंगी। आप सच में उससे प्यार करते हैं। फिर ये कहने के साथ में ही वो शेंग जोए के सोल सी में फिर से जाते हुए जिया गोजियान से कहती है, मैं सोने के लिए वापस जा रही हूँ गॉडफादर, और हाँ इस चीज के लिए तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह पे एक स्पीकर में से बहुत जोर से आवाज आ रही होती है, GL60 का चैलेंजिंग करने का नया दौर ऑफिसली स्टार्ट हो गया है और इसका प्राइस वर्ल्ड की लिमिटेड एडिशन का स्पोर्ट कार होगी। साइन अप करने के लिए सभी लोग का वेलकम। जब जिया गोजियान उस लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार को देखता है तो उसको देखते हुए कहता है, कैंग लॉन्ग जिंग के पास इस गेम में इतना मस्त प्राइस है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कहने के बाद में अपने मन में सोचता है, और ये जीएल नाम कुछ सिंपल नहीं लगता। और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे दो बनी गर्ल खड़ी होती है जहाँ पे पीछे लिखा होता है, जब आप जीतेंगे तो आप इनकी गाड़ी चला सकते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं जिया गोजियान वो जो कार का जीएल मॉडल होता है उसके बारे में सोच रहा होता है। यकीनन यह गोंगसेन फैमिली के जी और लिंग फैमिली के एल के बीच एक साथ किया हुआ काम है, लेकिन ये दोनों फैमिली अब एक दूसरे से फैमिलियर वे में लड़ रहे हैं, तो अचानक इनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ गई। जब जिया गोजियान इस बारे में सोच ही रहा होता तभी दिखाते हैं हमको जिया गोजियान के पीछे से दो सुंदर कन्याएं निकल के आगे की तरफ आ रही होती हैं। और तभी जिया गोजियान से कहती है, हे जेंटलमैन, आप इस चीज को देख के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या आप इसे करने की कोशिश करना चाहते हैं? वैसे देखा जाए तो सच में ये गेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन बात तो कॉन्टेक्ट और इन्फॉर्मेशन छोड़ना है। जिया गोजियान उन दोनों सुंदर कन्याओं से कहता है, मैं भाग लूं? मैंने कई वर्षों से गो नहीं खेला है और मेरे हाथों में थोड़ी खुजली हो रही है। और हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान चलता हुआ सीधे स्टेज पे चला जाता है। और तभी वहाँ पे अनाउंसर सबके सामने कहता है, हमारे पास में एक और चैलेंजर आ गया है। और जो बंदा हार के जा रहा होता है उसकी बहुत इंसल्ट हो रही होती है। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा रोबोट, और वो रोबोट 1,98,853 बार गेम खेलने के बाद में भी आज तक नहीं हारा है। और वो रोबोट जिया गोजियान से कहता है, ह्यूमन क्या आप सक्सेस के लिए तैयार हैं? और वहाँ का जो होस्ट होता है वो भी बड़े मजे में चिल्ला के कहता है, और क्या वो इंटेलिजेंस रोबोट एफएक्स को हराने में सक्षम होगा? और हम इसी के साथ में ये मुकाबला देखेंगे। जब जिया गोजियान देखता है कि वो रोबोट है तभी वो कहता है, क्या रोबोट? और ये सोच के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है एक साइड में जिया गोजियान होता है और दूसरे साइड में वो इंटेलिजेंस रोबोट होता है एफएक्स। उनको देख के पब्लिक में से एक आदमी कहता है, मुझे देखने में नहीं लगता कि ये आदमी उसे हरा पाएगा, एक ह्यूमन एआई को कैसे हरा सकता है? तभी दूसरा आदमी चिल्ला के कहता है, स्टेज पर आना सच में बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है। दूसरा कहता है, ये सही है, ये तुमने सही कहा, भले ही ह्यूमन माइंड बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया हो ये किसी भी मशीन या कंप्यूटर की पावर से मेल नहीं कर सकता। तभी चौथा आदमी कहता है, हाँ मैं एआई के साथ में हूँ। जब जिया गोजियान पब्लिक की ये बात सुनता है तो हंसने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, ह्यूमन सच में सोचते हैं कि वे अपने ही प्रोडक्ट से हार जाएंगे, उन्हें बहुत कम ही पता है कि ये कभी भी कोल्ड मशीन नहीं है जो हेवन को चेस बोर्ड की विरासत का स्टार बना सकती है। मैं एक गॉडफादर के रूप में पूजनीय हूँ और एक मशीन एक ह्यूमन के लिए गॉडफादर क्या नहीं है। और तभी होस्ट बोलता है तो मैच शुरू होता है। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है जैसे ही मैच शुरू होता है तभी जिया गोजियान अपनी एकदम से कोई चाल चलता है वहाँ पे, जिसमें से उसकी ब्लू कलर की ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर बाहर आती है और वहाँ चेस बोर्ड के ऊपर एकदम से वहाँ पर मोहरा रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें आज एक अच्छा लेसन देता हूँ इस ग्रेट पाथ के इतने लंबे जीवन को सुधारने के लिए। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं ये कहने के साथ में सीन शिफ्ट हो जाता है। जैसे वो रोबोट हारता है तभी वहाँ पे एक आदमी बहुत तेजी से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और भागते हुए अचानक से एक गेट को धक्का देके चिल्ला के कहता है, मॉक्सियू गो के गेम में कोई विनर बन गया है, उसका मेंटल कंट्रोल एक्सीलेंट लेवल का है और उसने 20 मिनट में ईएक्स को हरा दिया। जब लिंग मॉक्सियू इस बात को सुनती है लिपस्टिक लगाते हुए एकदम से शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है, क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? तभी उस आदमी को दिखाते हैं, वो एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है, आपका ही वो मेन आदमी है जिया गोजियान, लिंग मॉक्सियू आप उसे हेवन्स पाथ सेक्ट में डेवलप क्यों नहीं करती हैं?
और तभी में दिखाते हैं जैसे उसने जिया गोजियान का नाम लिया होता है। लिंग मोक्सियू एकदम से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। वो बैठी हुई लिपस्टिक लगा रही होती है, एकदम से उछल के खड़ी हो जाती है और चिल्ला के कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो लड़का जो भाग के आया था वो हंसते हुए लिंग मोक्सियू से कहता है, हमारे ग्रैंड प्राइज के लिए उन्होंने एक औरत वाली स्पोर्ट कार चुनी है जो मुझे लगता है कि आपके लिए होनी चाहिए। ऐसे आदमी की देखभाल लिंग मोक्सियू हमारी कुछ उंगलियों से की जा सकती है। हेवंस पाथ पर उसके साथ हमें गोंगसेन फैमिली के साथ गेम जीतने का बढ़िया मौका मिल सकता है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्सियू बिल्कुल शॉक्ड होते हुए घबराते हुए अपने मन में सोचती है, मेरे कान ने एकदम गड़बड़ कर दी, या सच है कि मैं मारी जाऊंगी। फीमेल स्पोर्ट कार हो सकता है इन जारू के लिए है। फिर वो उस साइड की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है, लेकिन मास्टर को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए मुझे उसके साथ में कुछ डिस्कशन करनी है। और वो उस आदमी से कहती है, आपने अभी कहा कि उसने एक फीमेल स्पोर्ट कार मांगी है, मैंने सही कहा ना, जाओ जल्दी करो मेरे लिए उसको अरेंज करो। और फिर हमको दिखाया जाता है वो जो रोबोट होता है दोस्तों, वो रोबोट उस चाल को बिल्कुल समझ ही नहीं पाता, उसका जो सिस्टम होता है वो एकदम हैंग हो जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है एकदम। और तभी उसकी जीत में से एक हार भी निकल आती है दोस्तों, और फिर वो रोबोट कहता है, मेंटल पावर मैं इसकी गणना नहीं कर सकता। फिर इसके बाद वो जो होस्ट होता है वो जिया गोजियान के हाथ को ऊपर उठा के बहुत खुशी खुशी चिल्ला के कहता है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, आखिरकार ह्यूमन रेस ने सैकड़ों वर्षों से इंटेलिजेंस रोबोट के खिलाफ रुख अपना लिया और उसका पहला विजेता है ये आदमी। जिया गोजियान को जीतते हुए देख के जो वहाँ पब्लिक बैठी होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लोग चिल्ला के कहते हैं, आखिरकार ह्यूमन जीत गया। दूसरा हैरान होते हुए बोलता है, आई होप कि वह ह्यूमन है, क्या वो है। तभी वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, आखिरकार उस लोहे की लैम्प की अभी भी ह्यूमन के साथ में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है वहाँ पे मार्शल गोंगसेन भी होते हैं। वो वहाँ पे जिया गोजियान को जीतते हुए देख के बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए कहते हैं, लिंग फैमिली के साथ इस कॉपरेशन का मेन मोटो एक मास्टर की तलाश करना था स्ट्रॉन्ग मेंटल के साथ में, लेकिन यह गॉडफादर निकले, ये इतना उपद्रव पैदा कर रहा है और जल्द ही मेरी डेस्क पर एक रिपोर्ट होगी, तो क्या मुझे आपको अपना स्टाफ एडवाइजर बनाने के लिए कहना चाहिए। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।